खालिस्तानियों के समर्थक कहे जाने वाले कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को बड़ा झटका लगा है। कनाडा के लेफ्ट विंग न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी ने ट्रूडो सरकार को दिया अपना समर्थन वापस ले लिया है। एनडीपी ने बीते 2.5 सालों से ट्रूडो सरकार को समर्थन दिया हुआ था और यही कारण है कि ट्रूडो सत्ता में बने हुए थे, लेकिन अब एनडीपी ने सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस डील से खुद को अलग कर लिया है। सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस एनडीपी और ट्रूडो की लिबरल पार्टी के बीच हुए समझौते का नाम है। इसी के तहत एनडीपी विश्वास मत में लिबरल पार्टी का समर्थन किया करती थी। पीडीपी पार्टी ने 4 सितंबर की दोपहर सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर ट्रूडो की लिबरल सरकार के साथ किए गए समझौते को समाप्त करने की घोषणा की। जगमीत सिंह ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को अपने फैसले के बारे में बता दिया है। लिबरल बहुत कमजोर है, बहुत स्वार्थी है और लोगों के लिए लड़ने के लिए कॉरपोरेट हितों के प्रति समर्पित है। वो बदलाव नहीं ला सकते, वो उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर सकते। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने लोगों को निराश किया है, वे कॉरपोरेट लालच पर अंकुश लगाने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका संगठन ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अगले चुनाव में पियरे पॉइलीवर की कंजर्वेटिव पार्टी की जीत की कोशिश को नाकाम कर सकती है। दरअसल कनाडा में खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर एनडीपी पार्टी चिंतित है। जगमीत सिंह की पार्टी का मानना है कि पीएम ट्रूडो कनाडा के लोगों की भलाई के बजाय कॉरपोरेट को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। लिबरल्स पार्टी ने जनता को धोखा दिया है। बीते सालों में कनाडा के मतदाताओं के बीच भी महंगाई और घरों से जुड़े मुद्दों को लेकर निराशा बढ़ी है। चुनाव में इसकी झलक भी देखने को मिली। ट्रूडो की लिबरल पार्टी नीचे की तरफ जाती हुई दिखी। जस्टिन ट्रूडो साल 2015 से सत्ता में बने हुए हैं। साल 2019 और साल 2021 में ट्रूडो की पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी और वो दूसरी पार्टी के समर्थन से सरकार में हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनडीपी की सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस डील से हटने की योजना कई महीनों से चल रही थी। दरअसल ये डील गठबंधन सरकारों से अलग होती है, जहां कई पार्टियां संयुक्त रूप से कैबिनेट में काम करती हैं और साथ मिलकर सरकार चलाती हैं। अब चूंकि एनडीपी ने डील से किनारा कर लिया है, अब ऐसे में जस्टिन ट्रूडो को हाउस ऑफ कॉमन्स चैम्बर में अन्य विपक्षी सांसदों का समर्थन हासिल करना होगा, तभी वो बजट पास करा पाएंगे और विश्वास मत जीत सकेंगे। फिलहाल ट्रूडो के सामने तुरंत पद छोड़ने और नए सिरे से चुनाव कराने का खतरा नहीं है, लेकिन सरकार गिरने का जोखिम बना हुआ है। कनाडा में अक्टूबर 2025 में चुनाव होने हैं, लेकिन संभव है कि कनाडा में तय वक्त से पहले भी चुनाव हो जाए।